हेलो स्टूडेंट्स दिस इज रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स ठीक है आज का जो सेशन है दैट इज़ ऑफ स्पॉटिंग एरर्स स्पॉटिंग एरर्स का सेशन है और इसके पहले भी हमने काफ़ी सारा स्पॉटिंग एरर्स किया भी है एंड इट्स माय टारगेट कि एग्जाम के पहले आपको मैक्सिमम से मैक्मम स्पॉर्टिंग एरर्स कर लेना है ठीक है और बीच बीच में मैं आपको इंडिविजुअल इंडिविजुअल नहीं टॉपिक वाइज भी स्पॉटिंग एरर्स करेंगे टॉपिक वाइज भी करना है बट टॉपिक वाइज में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है बिकॉज यू स्टूडेंट्स नो कि यहाँ एरर टेंस का है यहाँ एरर प्रेपोजिशन का है दिक्कत कब आती है जब मिसलेनियस आ जाता है मिसलेनियस इन द देंस की जब एरर्स मिक्सड आ जाते हैं ठीक है थीके? तो मैंने आपको इसके पहले आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी एट क्योंकि प्रायर टू दिस आई हैव ऑलरेडी डन टिल ट्वेंटी सेवन टिल ट्वेंटी सेवन एरर तक मैंने कर लिया है आज हम ट्वेंटी एट से स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिमम सीन्स अभी हमारे पास वन मंथ है तो वन मंथ में मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर लेते हैं ठीक है चलो आ जाओ ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट वाला सेंटेंस है हमारा वी हैड एक्सटेंसिवली डिस्कशन विद द पार्टिसिपेंट्स एंड ओपटेन देयर फीडबैक रिगार्डिंग आवर न्यू सर्विसेस पार्टिसिपेंट्स के साथ हमें हमारे एक्सटेंसिवली डिस्कशन हुए और हमें उनका हमने उनका फीडबैक भी लिया है देखो एरर कौन से पार्ट में है पहले तो आपको चीजों का बहुत बेसिक इन द सेंस सी uh, आप स्टूडेंट्स एडजेक्टिव भी पढ़ते हो आप लोग एडवर्ब भी पढ़ते हो बट ध्यान रखना है ना कि आप एडजेक्टिव और एडवर्ब में रूल्स में खो जाते हो कॉन्सेप्ट में खो जाते हो बट अगर बेसिक नहीं करते हो ठीक है यू पीपल रन आफ्टर दिस रूल्स एंड ऑल बट आपको बेसिक जानना जरूरी है बेसिक इन द सेंस मैंने इसके पहले भी आपको एक ट्रिपल ए का कॉन्सेप्ट करवाया था वहां पे आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा ट्रिपल ए

नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव है वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स 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 डिस्क्राइबिंग वर्ब्स आर एडवर्ब्स ये तो मैंने बेसिक बता दिया बट अपार्ट फ्रॉम डिस्क्राइबिंग वर्ब एंड एडवर्ब कैन ऑल्सो डिस्क्राइब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताने के अलावा एडवर्ब uh, है वो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है साथ में दूसरे एडवर्ब की भी बताता है ठीक है वो तो हमने चलो करेंगे उसको भी बट अभी बेसिक बस ध्यान रखो सेंटेंस देखो यहां पे एक वर्ड है हमारा एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव का मतलब होता है एक्सटेंसिव मीन्स डिटेल इलेबोरेट कोई भी चीज डिटेल्ड में इलेबोरेट इलेबोरेट यहां वर्ड पावर भी सीखो कॉम्प्रीहेंसिबल कॉम्प्री नॉट कॉम्प्रीहेंसिबल सॉरी कॉम्प्रीहेंसिव यू शुड हैव अ कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज ऑफ इंग्लिश डीप

देखो, वाले words, all these are nouns. तो ये 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 जो हमारा extensive है, ये आ, sorry, ये नाँन है, नाँन है और एक्सटेंसिवली क्या है एडवर्ब है और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए वी डोंट नीड एन एडजेक्टिव तो इसको एडजेक्टिव बना के एक्सटेंसिव कर दो एक्सटेंसिव ओके एक्सटेंसिव इज द करेक्ट आंसर एक्सटेंसिव होगा इसमें से एल वाई हटा देना है कुछ नहीं करना है एक्सटेंसिवली में से एल वाई हटा दो अब ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव बन गया और हमें ही चाहिए नेक्स्ट द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट स्पॉन्सर जॉब सॉरी गवर्नमेंट स्पॉन्सर जॉब गारंटी प्रोग्राम हैज रिजल्टेड इन अ ड्रास्टिक ड्रॉप इन पॉवर्टी ड्रॉप मतलब डिक्रीज हुआ है पॉवर्टी में जो गवर्नमेंट का जॉब स्पॉन्सर प्रोग्राम है तो यहाँ पे जो हाँ गवर्नमेंट स्पॉन्सर जॉब प्रोग्राम नहीं होगा स्पॉन्सर्ड होगा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जॉब प्रोग्राम गारंटी सॉरी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जॉब गारंटी प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड इसलिए होगा क्योंकि स्पॉन्सर इज अ वर्ब किसी को स्पॉन्सर करना इज अ वर्ब वर्ब चाहिए बट हमें यहाँ पे ईडी फॉर्म किस लिए चाहिए ये वर्ब का ईडी ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है और वॉब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है ठीक है द थर्ड फॉर्म वैसे दो फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है सेंटेंस देखना आपको अगर आपसे कोई पूछे कि आप वर्ब एडजेक्टिव का काम कर सकता है यस वर्ब वर्ब कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव आल्सो। फॉर्म का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म फोर्थ फॉर्म आल्सो एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव आई एंड थर्ड फॉर्म आल्सो एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं पार्टिसिपल पार्टिसिपल वर्ब जब एडजेक्टिव का काम करने लगे और वी फोर जब काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल तो वहां पे मैंने गवर्नमेंट जॉब था ऐसा कुछ था गवर्नमेंट स्पॉन्सर जॉब कैसा जॉब गवर्नमेंट स्पॉन्सर तो ये तो स्पॉन्सर तो वर्ब का V1 फॉर्म है और V1 तो ना ना V1 वन एडजेक्टिव का ना काम नहीं करता है हमें यहाँ पे ईडी चाहिए ईडी लगा दोगे तो ये V3 बन जाएगा V3 will act as an adjective in third form। तो यहां पे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जॉब प्रोग्राम ठीक है ईडी लगाना जरूरी है क्योंकि हमें प्रोग्राम की विशेषता बतानी है प्रोग्राम क्या है नाउन कैसा प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ईडी ईडी लगेगा वाला, इज अ क्लियर इंडिकेशन डेट आवर लाइसेंस विल नॉट बी रिन्यूड ये तो ईजी है इंडिकेशन है पर और यहाँ पे अ लगा है अ के साथ ये जो अ लगा है किसके लिए लगा हैल नाउन के लिए लगा है नाउन और क्लियर क्या है एब्जेक्टिव है नाउन की कैसा इंडिकेशन क्लियर इंडिकेशन और ये अंगुलर के लिए यूज होता है एस हटा दोगे इज अ क्लियर इंडिकेशन नहीं होगा इज अ क्लियर इंडिकेशन नेक्स्ट वाला

स एक एक है अरेजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इज अ प्रॉब्लम लार्ज अमाउंट ऑफ फंड अरेंज करना एक प्रॉब्लम है क्योंकि बैंक मॉर्निंग में नहीं खुलते हैं ये एक सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है और दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए कंजंक्शन चाहिए बट वाई इज नॉट अ कंजंक्शन ठीक है हमें कंजंक्शन चाहिए यहां पर होगा बिकॉज

और यहां पे मैंने ईडी लगाया था और यहाँ तो बता ही दिया youth who टू आस्क हाउ मच ऑफ द यूथ हु फॉर अ टेक्सटाइल कंपनी ही हैड telephoned. टेलीफोन कैन बी used uh, ऐसे कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम टेलीफोन तो नाउन है बट टेलीफोन को एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हो. Had के साथ V3 ठीक है ये तो सही है वो कल मुझे टेलीफोन कर चुका था क्या के लिए टू आस्क हाउ मच ऑफ द यूथ हु अटेंड क्लासेस वुड बी इंटरेस्टेड देखो एरर इज मच में मच में हमारा एरर है जस्ट सी इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मच एंड मनी दोनों का मतलब ज्यादा है लेकिन मच इज फॉर अनकाउंटेबल और मेनी इज फॉर काउंटेबल मच अनकाउंटेबल के लिए और मेनी काउंटेबल के लिए अब आ जाओ इस वर्ड पे यूथ यूथ हैज टू मीनिंग जैसे मैंने बोला द यूथ ऑफ इंडिया द यूथ ऑफ इंडिया मतलब द यंग पीपल इंडिया के नौजवान द यंग पीपल युवा इसको हम हिंदी में युवा भी बोल सकते और एक युवा का मतलब होता है एक सॉरी एक युवा का मतलब होता है एक यूथ का, मतलब का मतलब है जैसे बोलते हो ना चाइल्डहुड बचपन वाला फेज फिर आपका यूथ यूथ वाला फेज मतलब जब आप युवा अवस्था में हो एक होता है ओल्ड एज तो ये हो गया युवावस्था ओके okay, यहाँ यूथ का मतलब एज के सेंस में यूथ इज अ पर्टिकुलर स्टेज इन योर लाइफ दैट इज युवावस्था ओके ही इन हिज यूथ ही वॉज इन हिज चाइल्डहुड ओल्ड वाले सेंस में तो यहाँ तो यूथ किस सेंस में जा रहा है uh, युवा के सेंस में यूथ मीन्स द यंग पीपल ऑफ इंडिया और यंग पीपल ऑफ इंडिया तो काउंटेबल है तो मच नहीं लगाओगे आप मिनी लगे सेंटेंस देखो आप हाउ मच ऑफ द यूथ यहाँ हाउ मच ऑफ नॉट युवावस्था हाउ मच ऑफ द यंग पीपल जो हमारे क्लास को अटेंड करते हैं वो इंटरेस्टेड है तो यहाँ तो यंग पीपल के सेंस में आए ना पीपल काउंटेबल है यहां पर मैनी लगाऊ है यूथ ओके नेक्स्ट वन वी आर फोर्स वी आर फोर्स इन टू रियक्ट वी आर फोर्स इन टू रियक्ट एज नो ऑर्गेनाइजेशन कैन अफोर्ड टू अधिस आउटडेटेड रेगुलेशन 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 इज रूल्स एंड रेगुलेशन नियम कानून वी आर फोर्स यहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन का एर का सेंस के साथ इन टू नहीं आएगा वी आर फोर्स हमें मजबूर किया जा रहा है रियक्ट करने के लिए ही वॉज फोर्स टू डू द वर्क ठीक है साथ इन टू नहीं आएगा टू आएगा एक्सपैंडिंग फॉर डेकेट्स

अगर स्कीम को सही ढंग से लागू किया होता तो सारे लोग जो इससे प्रभावित होते थे उनको बेनिफिट मिल सकता है ठीक है प्रभावित लोग बेनिफिटेड हो सकते थे अब आपने एक मैंने टें बताया भी है टें का बहुत ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट है ये एक बहुत ब्यूटिफुल कंडीशनर वाला कॉन्सेप्ट है एक ऐसा आता है इफ प्लस, हैड, प्लस वी थ्री प्लस वै जनवरी मंथ में आई थिंक मैंने आपको टेंस का काफी सारा सेशंस दिया था बट अब हमें इस मंथ में क्या करना है सेशंस तो हमने किया था बट अब हमें वर्क किस पे करना है उस सेशंस पे प्रैक्टिस सेट बनाना है है ठीक तो जल्दी आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे इफ प्लस 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 हैड वुड हैव सेंटेंस के दूसरे पार्ट में वुड हैव भी हो सकता है सेंटेंस के दूसरे पार्ट में कुड हैव भी हो सकता है सेंटेंस के दूसरे पार्ट में माइट हैव भी हो सकता है ठीक है शुड हैव भी हो सकता है वो तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट स है वु हैव एबिलिटी है could have. Possibility है है हो सकता है, इससे नहीं समझ में आए और इंग्लिश इज नॉट अ थिंग टू बी स्टडीड इन वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स ठीक है इसको अच्छे से, से सेंटेंस के थ्रू समझना है अब देखो एक सेंटेंस मैंने आपको जब सिंपल प्रेजेंट टेंस करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कंडीशनल वाला इफ ही विल कम आई विल गो अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा और मैंने बोला था एक कंडीशनल सेंटेंस में वी कैन नॉट यूज टू विल कौन वाला विल हटेगा कंडीशनल वर्ड के साथ वाला ये सही हो गया इफ ही विल कम नहीं होगा इफ ही कम्स आई टेक द सेम सेंटेंस टू पास्ट टेंस अगर मैंने ऐसा लिखा इफ ही वुड हैव कम इफ ही वुड हैव कम अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा एंड नेक्स्ट का अगर वो आ गया होता तो मैं चला गया होता पास्ट में ले जा रही इफ ही वुड हैव कम आई वुड हैव गॉन लाइकवाइज जैसे कि हम एक कंडीशनल सेंटेंस में दो विल यूज नहीं करते ये विल हटेगा उसी तरह एक कंडीशनल सेंटेंस में दो वुड हैव नहीं आएगा इफ यू वुड 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 हैव 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 कम आई दो नहीं आएगा कौन सा वुड हैव हटेगा ये वह और ये हैड में बदल जाएगा देखो ये कंस्ट्रक्शन आ गया इफ प्लस ही तो है ही प्लस हैड सब्जेक्ट यहाँ नहीं डाला रहेगा हैड प्लस वीथरी और सेंटेंस के दूसरे पार्ट में वुड हैव सेंटेंस इफ द स्कीम वुड बीन इंप्लीमेंटेड देखो यहां हैव और यहां वुड हैव एंड कंडीशनल सेंटेंस वी हट के क्या में बदल जाएगा में। में अब सेंटेंस एरर है। स्कीम हैड बीन इंप्लीमेंटेड अगर स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया होता तो The affected would have been benefited. पहला पार्ट में ए पार्ट में यहाँ बुड हैव की जगह हेड लगाना है नेक्स्ट गवर्नमेंट स्टॉक ऑफर सेफ्टी लिक्विडिटी एंड अट्रैक्टिव रिटर्न फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन सेंटेंस देखो अपना पैरलिज्मिज्म का रूल भी पढ़ाया टू टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट वन इज इनवर्जन एंड द नेक्स्ट वन इज पैरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप इग्नोर कर देते हो लेकिन ये एग्ज़ाम का हॉट फेवरेट टॉपिक्स है और एक दो चीज़ और देखा टेकिंग इनटू कंसीडरेशन जितने भी हमारे प्रीवियस पेपर्स हुए हैं प्रीवियस एग्जाम्स का जो भी पेपर आया दो तीन चीज़ मैंने देखा इनवर्जन और पैरलिज़म तो है ही और एक्टिव पैसिव का यूज़ एरर में दैट विल हेल्प यू टू तो अ ग्रेट एक्सटेंट क्योंकि आप तो एक्टिव पैसिव कुछ और तरीके से तैयार करके जाते हो चार ऑप्शन वाले बट जब एरर में आ जाता है तो मुश्किल होता है उसको भी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए गवर्नमेंट स्टॉक ऑफर सेफ्टी लिक्विडिटी एंड अट्रैक्टिव रिटर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम देखो गवर्नमेंट का स्टॉक ऑफर करता है सेफ्टी सेफ्टी नाउन है लिक्विडिटी भी नाउन है और सबसे वफादार टॉपिक कौन सा है कंजंक्शन एंड से जुड़ा है समांतर स्ट्रक्चर फॉलो करना अगर ये दो नाउन है तो बाद वाला वर्ड भी नाउन आना ना चाहिए चलो ये तो ठीक है अट्रैक्टिव एड्जेक्टिव है और एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बता रहा है तो यहाँ अट्रैक्टिव रिटर्न नहीं होगा रिटर्न रिटर्न यहाँ रिटर्न वैसे रिटर्न नाउन भी होता है वर्ब भी होता है मैंने यहाँ रिटर्न को एज अ नाउन यूज किया जिसका मतलब प्रॉफिट के सेंस में कि सेफ्टी भी चाहिए लिक्विडिटी भी चाहिए और अट्रैक्टिव प्रॉफिट रिटर्न होगा ठीक है आई हैव यूज दिस यहाँ तो रिटर्न को एज अ वर्ब यूज कर दिया था बट सिंस सब नाउन है तो इसको भी नाउन बनाना है रिटर्न कर दो

गोइंग थ्रू जब वो देख रहे थे सरसरी नजर से तो स्क्रॉलिंग स्क्रो नहीं होगा थरो तो था मतलब होगा डिटेल में किसी चीज डिटेल में सोशल मीडिया टाइमलाइन पे वो स्क्रॉल नहीं कर रहे थे ठीक है स्क्रॉल सरसरी नजर से तो गोइंग थ्रू होगा यहाँ पे गलत वर्ड ही डाल दिया है स्क्रॉलिंग थ्रू होगा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी लीवर्स डिस्टेंटली पेसिमिस्टिक अबाउट द पॉसिबिलिटी डेट एल्ड्रोइम कैन अराइज नेचुरलीस देखो सेंटेंस अपना तो मुझे बायोलॉजी बायोलॉजी सिंगुलर है ना तो लीव नहीं होगा लीव होगा ओके okay, जब वर्ब में ऐसा है दैट बिकम्स सिंगुलर नेक्स्ट सेंटेंस वेन एवरी थिंग स्टार्ट वर्किंग फॉर यू यू विल फाइंड थिंग्स हमारा या तो जी होगा या तो ईडी होगा यही आता है ना या तो आई आया, या तो वी थ्री आया और आप बोलोगे कि मैम यहाँ हाँ यहाँ देखो यहाँ वी थ्री लगा है एंड से जुड़ा है एंड एंड इज अफादार टॉपिक कंजंक्शन दोनों को या तो वी थ्री करो कुछ बोलेंगे मैम आई एनजी क्यों नहीं होगा क्योंकि थिंक ये सेंटेंस को पैसिव जाना है ठीक है थिंग्स आर अचीविंग थिंग्स आर अचीविंग नहीं होगा थिंग्स अपने आप अचीव नहीं होता है थिंग्स को किसी चीजों को किसी के द्वारा अचीव किया जाता है तो ये सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए तो ये तो वी थ्री है वी थ्री चाहिए ये तो ऑलरेडी वी थ्री लगा है एंड है इसको भी वी थ्री कर दोगे अचीव्ड होगा अचीव्ड इट वॉज नाउ सिक्स एंड ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैज वर्किंग सिंस डॉन सॉरी नेक्स्ट पे चलते हैं इट वाज नाउ सिक्स एंड ही वाज टायर्ड छे बज चुके थे और वो टायर्ड हो चुका था बिकॉज ही हैज बिन वर्किंग सिंस वो डॉन सुबह से काम कर रहा था सब सेंटेंस पास में जा रहे हैं तो ही हैज बिन नहीं हैड हो, होगा अगर सेंटेंस ऐसा रहता इट इज सिक्स एंड ही इज टायर्ड तब होता ही हैज वर्किंग बट ये तो पास जा रहा है दिस कारपेंटर इज द मोस्ट स्किल्ड ऑफ ऑल द अदर कारपेंटर्स इन आवर वर्कशॉप ये कारपेंटर सबसे स्किल्ड है ये देखो इज द मोस्ट स्किल्ड ऑफ ऑल द अदर कारपेंटर्स सारे कार, आ, कार्पेंटर्स में वो सबसे ज्यादा स्किल्ड है यहाँ हमारे बच्चों को दिक्कत आती है बच्चों को देखती हूँ पढ़ने के बाद भी वो एकदम कंफ्यूजन में रहते वो उनके दिमाग में क्या है कि कहीं भी एनी देख लो अदर लगा दो बट ऐसा नहीं होता है। सेंटेंस देखो अगर ऐसा रहता ना ही इज ही इज मोर स्किल्ड या एक छोटा सा से सेंटेंस ले लो ये ये लिखो अगर मैंने ऐसा लिखा फे नेफे इज बेटर एनी कॉफी बच्चे दिमाग में बोलते हैं जहां भी एनी आ गया अदर लगा दो चलो ये सही है ये सही है लेकिन एनी के साथ आप याद रखना जहां भी एनी देख के अदर कब तब लगाओगे जब सेंटेंस दान लगा के कंपेरिजन हो रहा है देखो जब भी सेंटेंस में दान आ गया वेन एवर इन अन्टेंस यू हैव दान दान आ गया मीनस यू आर कंपेयरिंग बिटवीन टू दो कैटेगरी है एक साइड में कौन है एक साइड में हमारा है और अगर मैं यहाँ पे दान नहीं लगाती सपोज सपोज मैं इसमें दान नहीं लगाती ठीक है अभी ये देखो, एक साइड में कौन है एक साइड में है और एक साइड में एनी कॉफी एनी कॉफी और एनी कॉफी का मतलब क्या है एनी कॉफी मतलब कोई भी कॉफी और कोई भी कॉफी में नेस्कैफे भी तो आ जाएगा बट आपको नेस्केफे को एक साइड रखना है बाकी सारे कॉफी को एक साइड रखना है तो आपको क्या करना है यहाँ पे अदर लगा देना यहाँ अदर इसलिए लगाना है क्योंकि हमने दान लगा के कंपैरिजन किया एनी अदर कॉफी मतलब दूसरा कोई नेस्केफे को छोड़कर, को अलग कर लेना अब तो हमारे बच्चे रट ही लिए जहां भी एनी देखो अदर लगा दो बट हर समय ऐसा नहीं होता है इसे ऐसा लिखा मैं ये सेंटेंस देखो गोल्ड इज प्रेशियस गोल्ड इज प्रेशियस दैन एनी मेटल ठीक है और मैंने लिखा गोल्ड इज गोल्ड इज प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल्स दोनों में डिफरेंस देखो यहां कंपैरिजन ऑफ लगा के कर रही हूं यहां दान लगा के कर रही हूं जब भी दान आ गया दान आ गया तो दो कैटेगरी है यहां पे एक साइड में गोल्ड है और एक साइड में एनी मेटल है एनी मेटल और एनी मेटल में गोल्ड भी तो आ जाएगा बट हमें गोल्ड को साइड करना है तो यहां पे क्या लगाना है अदर यहाँ एनी के साथ अदर लगेगा बट यहां मैं ऑफ लगा के कंपेरिजन कर रही हूं ऑफ में यू हैव ओनली ऑफ में यू हैव ओनली वन कैटेगरी दैन में तो दो कैटेगरी है इसका सेंस क्या जा रहा है एक ही कैटेगरी है उसमें बहुत सारे मेटल्स है उसमें से एक गोल्ड प्रेशियस तो यहाँ अदर लगाने की जरूरत नहीं है अदर तभी लगाओगे जब दैन लगा के कंपेरिजन हो रहा है उसी तरह ये सेंटेंस था दिस कारपेंटर इज द मोस्ट स्किल्ड बहुत सारे कारपेंटर्स है उसमें से ये कारपेंटर सबसे स्किल्ड है यहाँ पे ऑफ लगा के कर रहे हो अदर नहीं आए इट्स टाइम वी डू It's इट्स अबाउट टाइम इट्स फ्रेजेस अपने साथ सिंपल पास्ट लेते हैं टाइम हो गया हमें अच्छा कुछ कर लेना चाहिए था Did, पास्ट सिंपल पास्ट लगाओगे कभी कभी had done लगा देते हैं। डन भी गलत है क्योंकि हैड डन इज सिंपल पास्ट हमें सिंपल पास्ट नहीं लगाना है पास्ट सॉरी पास्ट परफेक्ट नहीं लगाना है सिंपल पास्ट लगाना इट हैज बिन अनबियरेबल हॉट ये हॉट भी एड्जेक्टिव है अनबियरेबल भी एडजेक्टिव है एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बताएगा मतलब असहनीय हॉट है, है बहुत गर्मी लेकिन एक एडजेक्टिव दूसरे एड्जेक्टिव को नहीं डिस्क्राइब करेगा बट एक एडवर्व एक एड्जेक्टिव को डिस्क्राइब कर सकता है तो आप लिख सकते हो इट हैज बिन अनबियरेबली हॉट ठीक है ये डाल सकते वी आर फॉर्चुनेट इन बींग एबल टू विजिट पूरी बिकॉज मैनी देर के साथ इस भी लगता है देर के साथ आर भी लगता है बाद वाला नाउन देखो बाद वाला नाउन क्या है देर इज मैनी है many, मैनी many. many तो प्लूरल होता है ना तो देर इज नहीं होगा देर आर अब लास्ट सेंटेंस पे चलते हैं ड्यू टू द एक्सप्लोजन द वॉल्स बर्स्टेड अ पार्ट एंड रूफ वॉज ब्लोन अवे बर्स्टेड का तीनों फॉर्म सेम होता है। देयर इज नो सच वर्ड लाइक बस्टेड इट्स बर्स्ट बस्ट बस्ट बर्स्ट का v1 v2 v3 सेम ठीक है बस्टेड नहीं होगा इट्स बर्स्ट तो हमने काफी सारा सेंटेंसेस कवर किया आई होप ये सेशंस आप लोगों को फ्रूटफुल लग रहे हैं ठीक है अगर आपको सेशंस रियली में अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने सजेशंस दे सकते हो कमेंट बॉक्स पे और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो वीडियोस को मुझे पता है आप लोग करते भी हो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन में भी आके बोलते हैं है, मैम हमने बहुत सारे फ्रेंड्स में शेयर किया है ठीक है एंड कमेंट्स तो आपके वैल्यूबल होते ही है टीचर को बूस्ट करो टीचर और भी क्वालिटी कंटेंट कंटेंट लेके आएंगे चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में थैंक यू